हेलो एवरीवन। सो नोट्स वगैरह के लिए पीडीएफ बना के, मतलब हर चैप्टर के लिए मैं कर रहा हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर का डाल दिया गया है पीडीएफ, उसमें सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जितना भी क्वेश्चन आंसर था और जो भी क्लासेस का थ्योरी था, उसका एक 17 पेज का बना के मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो हालांकि वो तभी फायदा देगा जब आपने क्लास देखा है उसका, तभी समझ में आएगा कहाँ पर मैंने क्या कहा था और जो भी हो। फिर चैप्टर 1 फिजिक्स का क्लास सेट, जिसके बारे में बहुत से लोग बोल रहे थे, तो जस्ट इसके बाद वही स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी के बाद वही स्टार्ट होगा चैप्टर 1। फिर क्लास 9 का कब से आएगा क्वेश्चन आंसर, तो मुझे लगता है चैप्टर 1 जैसे ही खत्म होगा फिजिक्स का, उसके बाद क्लास 9 के कुछ कुछ चैप्टर्स उठाना स्टार्ट कर दूंगा, बिकॉज बहुत 8 का बहुत सारा चीज हो गया। अब तो बहुत आइडिया लग गया होगा कैसे पढ़ना है साइंस को, है ना? कुछ ना कुछ तो आइडिया मिला होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ सीखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि हर वीडियोस पे, हर क्लास पे मैंने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया है। और वीडियोस इतने लेट क्यों आ रहे हैं, तो इसका कारण यही है कि मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ा, जो भी टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ, उसको मैं यूनिक तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। कहने का मतलब, आज तक उसको इस तरह से नहीं पढ़ाया गया हो, सो आई हैव टू रीड डिफरेंट बुक्स टू गेट डिफरेंट आइडियाज टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। समय लगेगा, ओके, बिकॉज अगर बाकी की तरह भी मैं अथी करने लगूँ तो फिर क्या फायदा है, ठीक ना? बनाने के लिए तो मैं रोज बना दूंगा, रोज ढेर सारे बन जाएंगे वीडियोज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टू मेक इट यूनिक कुछ मेहनत लगना होगा, कुछ समय देना होगा। सो ओके, सो दैट कुछ क्वेरी, उसके बाद 10 का भी स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा 8 का खत्म होगा तभी 9 का शुरू होगा या 10 का। इनफैक्ट अधिकतर चीजें सब में सेम ही होती हैं, अधिकतर चीजें, बस प्रॉब्लम्स का डिफरेंस होता है। और एक बार इस सीरीज को बना लोगे ना, उसके बाद कोई भी ओलंपियाड, NTSC या उनको भी हम लाएंगे, ओलंपियाड्स के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर, उसको भी हम लोग लाएंगे। सो चलो, इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर हुआ था, बट उसमें तो वही था, क्वेश्चन वगैरह था, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आया, तो देखो लैटिन वर्ड एक है इलेक्ट्रम, ओके, और ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी से इलेक्ट्रिसिटी वर्ड क्या है आया है। इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब यह होता है एम्बर, बोथ मीनिंग एम्बर। एम्बर एक काला या भूरा रंग का पत्थर है, ओके, तो फिर इसमें पत्थर वगैरह कहाँ से आ गया। दरअसल हुआ क्या था कि ग्रीक में आज से लगभग 600 BC यानी 600 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 2600 साल पहले, क्योंकि ठीक है, लगभग 2600 साल पहले, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ग्रीक में जब इस पत्थर को, एक काला भूरा रंग का पत्थर जिसका यूज ज्वेलरी में होता है, उसको जब किसी सिल्क या कुछ से रब करते थे, तो उसमें देखा गया कि उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ गया है, तो वहीं से इलेक्ट्रम से ही इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया, और उसी को हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उस प्रॉपर्टी को, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिफिनेशन। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म, जो तो आपके बुक में दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी डैंड कैन बी इजिली ट्रांसफॉर्म्ड into other forms of energy and also transmitted over large distances with minimum loss. Minimum loss ध्यान देना, loss होता है but minimum होना चाहिए loss. अगर loss ज्यादा होने लगे तो फिर क्या फायदा है इसका। और इसमें क्या कहा गया, a form of energy, ध्यान दो, जब हम लोग sound पढ़ रहे थे, जब हम लोग heat पढ़ रहे थे, इन सबको एक form of energy ही लिखा जाता था, यही था ना, घुमा फिरा के बात वही आती थी कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसी तरह इसको भी एक बहुत ही वेग तरीके से डिफाइन किया गया है कि ये फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी है, तो जिसको कि हम लॉन्ग रेंज में ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे देखते हो ना, जो बड़ा बड़ा ट्रांसमीटर्स होते हैं जहां से बिजली का जो बड़ा बड़ा उसी से आता है, तो लार्ज डिस्टेंसेस में हम लोग देखेंगे AC करंट क्या होता है, DC क्या होता है, तो हालांकि ये बाद में है पढ़ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका कैसे, जो हमने बताया था ना कि एम्बर जो थी, क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ जाता था उसमें क्यों अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आता था, इसको हम आज देखेंगे। अब जब एटम का खोज हो चुका है, तो बहुत सारा चीज अब हम लोग को पता है कि क्यों अट्रैक्ट करते हैं, या कोई चीज क्यों रिपेल करते हैं चार्ज बॉडीज में। सो
स्टडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट एंड देयर कॉज एंड इफेक्ट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ रहा है फिजिक्स में, उसका नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो उस चैप्टर में केवल उस इस चीज के बारे में पढ़ना है कि अगर चार्ज रेस्ट में है, कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो उसके चलते क्या क्या कॉज हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक का मतलब ध्यान दे रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब ठहरा हुआ। याद है हमने एक चैप्टर भी पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक, इस बात को पहले भी मैंने लिखा था। हाइड्रो का मतलब वाटर और स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। तो हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर में हमने जो भी प्रॉब्लम बनाए थे उसमें वाटर जो है वो रेस्ट में था। ओके, अगर वाटर चलना स्टार्ट कर दे तो दिक्कत हो जाएगा, मतलब सवाल उसके लिए अलग तरीके से हम लोग को प्रॉब्लम बनाना होगा। फिर वाटर का भी सूडो फोर्स जोड़ना होगा कि वो कितना एक्सेलरेशन से चल रहा है, और बायंसी पर भी उसका असर पड़ेगा किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिलेटिवली थोड़ा आसान है, क्योंकि चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा। इसमें हम दो पार्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट, यानी जिसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मूविंग चार्जेस। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक किससे डील करता है, जब चार्ज रेस्ट में हो तो उसके चलते क्या कॉज एंड इफेक्ट होगा, उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन अगर चार्ज मूव करने लगे तो उसके चलते क्या कॉज और इफेक्ट होगा, उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। ओके, फिर से बता दूं चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। हमें चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से इंडक्शन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा हम लोग चार्ज, और एक और प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग चार्ज को एथी करते हैं, एक तो फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। उसके बाद हमें इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिसिटी, क्लाउड्स में कैसे इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है उसके बारे में थोड़ा सा बताना होगा, मैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो एक्सपेरिमेंट था उसको बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना होगा हमें, उसके बाद क्यों इलेक्ट्रिक करंट, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल पढ़ना है, और फिर हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट, तो हम जो प्लग लगाते हैं आयरन के लिए या टीवी देखने के लिए, तो उसमें क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है, वही करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, फ्लो करेगा तो उसके बारे में हम लोग करें। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, चार्ज रेस्ट में है और हम उसके प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में अंतर जाना, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि थोड़ा सा हम उसको वो जो एक्सपेरिमेंट था कि व्हेन ए बॉडी इज रब्ड ओवर अनदर, ट्रांसफर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन द बॉडीज। एंड द टू बॉडीज आर सेड टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज। मैंने एक एग्जांपल ही बताया था ना, जैसे कि थोड़ा सा ठहरना इसमें एक मिनट, जैसे कि एक एग्जांपल बताया था मैंने बहुत पहले, जब पहला ये था, जैसे कि थोड़ा सा अगर इसको रख दो, ये भी कोई पेपर है, ठीक है, और मैंने इसको अपने इसको, ये कंडक्टर तो नहीं है ये, क्योंकि ये ग्लास है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको रब करूंगा अपने ये क्लॉथ से, ठीक है, मैं क्लॉथ से रब कर रहा हूं। अब देखो इसमें क्या होगा, एक तुम्हारा क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आएगा इसमें। देखो एक मिनट, थोड़ा अच्छे से, सिल्क क्लॉथ रहता तो अच्छा काम करता, मेरे ये सिल्क क्लॉथ नहीं मेरे पास अभी। जब भी ग्लास को सिल्क क्लॉथ से रब करते हो ना, तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है। देखो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है ना, छोटा टुकड़ा होता तो दिखता। होता क्या है ना कि ग्लास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्लास का अपना एटम होगा, ये ग्लास जो बना हुआ इसमें बहुत सारे एटम्स है, फिर तो क्या होता है कि एटम के बीच में न्यूक्लियस है और इसमें, इसके बाहर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। ओके, तो जब आप रब करते हो तो फ्रिक्शन के चलते ये जो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है, इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये नॉकआउट हो जाता है, ये चला जाता है, ये ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि मैंने अगर ग्लास को सिल्क क्लॉथ से अगर रब किया, तो ग्लास का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, सिल्क क्लॉथ में चला जाएगा। ठीक है, सिल्क क्लॉथ में, इसका मतलब सिल्क क्लॉथ में चला जाएगा, तो जो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ग्लास का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सिल्क क्लॉथ में चला गया, तो सिल्क क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, और ग्लास क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन थे उसके अंतिम ऑर्बिट में वो सिल्क में चले गए, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी कि अब प्रोटॉन, जैसे कि एक जब ये, इसको मैंने कुछ नहीं किया, ये ऐसे ही अभी कुछ रब नहीं किया, तो ये न्यूट्रल था। ठीक है,
ये क्वेश्चन भी है कि जब मैं ऐसे ही कोई चीज रहता है कोई ये मतलब जैसे इसको मैंने रब नहीं किया तो ये क्यों नहीं अट्रैक्ट करता है, ओके क्यों नहीं अट्रैक्ट करता है? क्योंकि न्यूट्रल है, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें उतना ही प्रोटोन भी है। एटम का एक प्रॉपर्टी है ना कि कोई भी न्यूट्रल एटम है जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटोन होता है, तो इसलिए भी किसी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर किसी चीज से रब किए किसी सिल्क क्लॉथ से तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, प्रोटोन का एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि प्रोटोन तो न्यूक्लियस में है ना, ओके इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। और इलेक्ट्रॉन में भी किसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का है, क्योंकि आसान है ना, क्योंकि क्यों आसान है? क्योंकि न्यूक्लियस से दूरी पर है ना, जितना ज्यादा दूरी पर होगा उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना उतना ही आसान होगा। तो फ्रिक्शन के चलते जब मैंने रब किया तो वो बाहर निकल गया और अब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन से, तो ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ओके तो इसी चलते प्रॉपर्टी हम आगे देखते हैं, इसको देखेंगे थोड़ा सा, जब हम लोग चार्ज का प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे ना तब इसको और अच्छे से देखते हैं। अभी देखेंगे इसको, चार्ज क्या है? चार्ज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट इन अ बॉडी। चार्ज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके या पहले इसको लिखते थे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनफैक्ट मैक्सवेल से लेकर अधिकतर साइंटिस्ट लोगों ने भी इसको बार बार इसी टर्म से लिखा, चार्ज को क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही कारण है कि चार्ज को क्यू से डोनेट कर किया जाने लगा धीरे धीरे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन चार्ज को क्या लिखते थे? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये शुरू का जो क्यू वाला जो टर्म है ये इसी क्यू को बाद में इस चार्ज को डोनेट करने के लिए दिया गया, क्योंकि देखो तो चार्ज तो सी से शुरू हो रहा है ना, तो अच्छा था कि सी से इसको डोनेट किया जाता ना, है ना, सी से डोनेट करना चाहिए था, लेकिन क्यू से अधिकतर बार डोनेट करते हैं क्योंकि बाद में शुरू में लिखा जाता था इसको, शुरू से ही क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखा जाता था चार्ज को, तो ये जो क्यू जो टर्म था इसी को जस का तस ले लिया गया और बाद में इसको यूज किया जाने लगा चार्ज को। जैसे कि जब आगे पढ़ोगे आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। करेंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, मतलब ये आगे देखेंगे इसका मतलब क्या है। तो चार्ज को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से भी डोनेट करते हैं। और जो रब करने पर क्यों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है? तो कॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। रब कर रही है ना, रब किए तो फ्रिक्शन हुआ ना, उसके चलते इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, उसके चलते इलेक्ट्रॉन मूव किया, प्रोटॉन मूव नहीं करेगा, ओके इलेक्ट्रॉन के मूव होने से कोई भी चार्ज किस एक तरफ कमी हो जाती है इलेक्ट्रॉन के, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में हो गए पहले से वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। सो इस पर द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन, एंड वेन इट इज डन बाई रबिंग वन बॉडी ओवर द अदर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन बाई फ्रिक्शन। द चार्ज थस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड फ्रिक्शनल चार्ज। बस ये कहने की बात है, ठीक है, फ्रिक्शनल चार्ज कोई कह दिया तो कुछ डरना नहीं है कि ये क्या है। फ्रिक्शन करने से, बॉडी को रब करने से जो चार्ज ऑब्टेन्ड हुआ है उसको फ्रिक्शनल चार्ज कहता है। चार्ज थस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड फ्रिक्शनल चार्ज बिकॉज ऑफ द रबिंग ऑफ द बॉडी ऑफ वन ओवर अनदर टू बॉडीज। सो एग्जाम्पल ऑफ ग्लास एंड रॉड, मतलब मैंने बताया था ना, एक ग्लास है और एक सिल्क क्लॉथ है, मान लो सिल्क क्लॉथ और एक ग्लास रॉड है, ठीक है, दोनों को आपस में रब कर दिया तो ग्लास क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन अभी भी है लेकिन प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है रब करने के बाद, आफ्टर रबिंग है ये। ऐसा नहीं कि अभी ग्लास रखा हुआ है तो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा नहीं है, रब कर दिया और ये सिल्क क्लॉथ क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, ओके इसमें भी ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन नहीं है, होगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ही तो होता है, प्रोटॉन ही नहीं होगा कैसे काम चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई है, ओके बस इतना ही होता है। तो अब लेकिन ये चीज तुम पूछ सकते हो कि फिर ग्लास रोड नेगेटिवली चार्ज क्यों नहीं हुआ, ओके ग्लास रोड नेगेटिवली चार्ज क्यों नहीं है? मैंने रब किया, दोनों को आपस में रब किया, सिल्क क्लॉथ से ग्लास को रब किया, तो ग्लास पॉजिटिवली चार्जिंग क्यों हुआ, नेगेटिवली चार्ज क्यों नहीं हुआ, और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्जिंग क्यों हुआ, पॉजिटिवली चार्ज क्यों नहीं हुआ, ओके पॉजिटिवली चार्ज क्यों नहीं हुआ सिल्क क्लॉथ, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका सबसे आसान सा जो रीजन है वो ये हो सकता है कि ग्लास रोड का जो वैलेंस है, जो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, यानी इस ग्लास रोड के अंदर में करोड़ों अरबों एटम्स होंगे, तो एटम के जो अंतिम ऑर्बिट हैं
उनमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको वहां से निकालना आसान हुआ होगा। ओके, समझ में आ रही है बात कि ग्लास रोड में जो एटम्स हैं उनके अंतिम ऑर्बिट जिनको कि वैलेंस शेल कहते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो उनको निकालना आसान होगा शायद, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहां से जल्दी निकल जा रहे हैं। सिल्क क्लॉथ की बजाय सिल्क क्लॉथ से रब किया ग्लास रोड को तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल गए और इसीलिए ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ना कि नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि अब इसके इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन था वो किस में ट्रांसफर हो गया, सिल्क क्लॉथ में। तो सिल्क क्लॉथ क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये कारण मुझे लगता है, अगर तुम्हें और कारण पता है तो तुम बताना इसके बारे में कि ग्लास रोड क्यों पॉजिटिवली चार्ज ही होता है। इस बारे में शायद मुझे यही लगता है कि यहाँ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में आसानी है तो ये जल्दी निकल जाते हैं बजाय सिल्क क्लॉथ के, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। ओके, सो ये एग्जाम्पल था रबिंग के द्वारा कैसे। आगे हम लोग अभी थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है एसआई सिस्टम में, कूलम होता है, एक साइंटिस्ट के नाम पर है, इनके बारे में थोड़ा पता करना और जरूर इनके बारे में और पढ़ाई करना कि उन्होंने क्या क्या किया था। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम, कूलम उन्हीं के अथी में सम्मान में एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या किया गया है कूलम को, और यूनिट किसके कहते हैं कैपिटल सी से। ध्यान देना, चार्ज को कैपिटल सी से डोनेट नहीं करते हैं, चार्ज को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से और स्मॉल क्यू से, लेकिन हम लोग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एसआई सिस्टम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। ओके, क्लियर। अब हम आगे तो देखेंगे कि फ्रिक्शन से, कंडक्शन से, इंडक्शन से कैसे हम लोग चार्ज ठीक करते हैं, क्या बोलते हैं, मेथड चार्जिंग करते हैं बॉडी को। ओके, और बहुत अच्छा सा चीज भी देखेंगे कि कैसे अर्थ किस तरह बिहेव करता है ना, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस जान लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी जो कि सबसे सिंपल है, देर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दो ही तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। ओके, ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा कोई अभी अभी तक शायद कोई ऐसा चीज का डिस्कवर नहीं हो जाए जो एक ही समय पर पॉजिटिव भी हो और एक ही समय पर नेगेटिव दोनों तरह से बिहेव करता हो, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। या तो कोई चार्ज पॉजिटिव होगा नहीं तो कोई चार्ज नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं होगा कि इसमें दोनों का गुण होगा, एक ही में दोनों का गुण होगा, ऐसा नहीं होगा। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेकंड, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। लाइक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव चार्ज लाइक है ना, सेम है ना, तो ये रिपेल करेंगे, दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। ओके, या फिर नेगेटिव चार्ज दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। लेकिन अनलाइक मतलब दो अलग अलग, तो अनलाइक जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ओके, थर्ड, ऑन लूजिंग। अच्छा, ये सब कहां से है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस किसने दिया है? दरअसल बहुत समय तक इनको जब ऑब्जर्व किया गया होगा, इन पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे और डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग कंट्रीब्यूट किया इनके बारे में कि हाँ ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, लोगों ने ऑब्जर्व किया और तब जाके प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस दिए इस तरह से। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज क्यों अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को, अब ये फंडामेंटल क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों अट्रैक्ट ही करते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं, बट व्हाई डू दे अट्रैक्ट, डोंट नो। ये सवाल ही थोड़ा सा पागलपन जैसा है, बट मुझे पसंद है। सो ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स कॉमा अ न्यूट्रल बॉडी एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। मैंने कहा ना, कोई बॉडी अगर न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल किसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या सेम है, अभी तक बिल्कुल आइसोलेट में है तो बॉडी न्यूट्रल रहता है। तो अगर कोई न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उस पर वो कैसा हो जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, प्रोटॉन उस जितना थे उतना ही थे लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ओवरऑल चार्ज बॉडी पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन अ न्यूट्रल बॉडी एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज। जस्ट उसका उल्टा, अगर कोई बॉडी बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज हम लोग कहेंगे है कि ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है। फिफ्थ, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन ए बॉडी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल नंबर्स of the charge of an electron which is considered the elementary entity of an electric charge।
हमेशा इंटीग्रल नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आधा चार्ज तुम कह दोगे, आधा ये एक तिहाई चार्ज है इस पर, या तो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा। ऐसा नहीं कि डेढ़ इलेक्ट्रॉन कहीं तुम चार्ज बताओगे किसी पर, ऐसा नहीं होगा। या कहीं पर तुम कहोगे, मतलब समझ रहे हो बात को, हमेशा इंटीग्रल नंबर्स में डिफाइन होंगे चार्जेस। आधा काट नहीं सकते हैं उसको हम कि आधा काट दिया इलेक्ट्रॉन को और देखो आधा चार्ज हो गया उस पर, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए और अगर वो बॉडी चार्ज है तो हम लोग इंटीग्रल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिफाइन करते हैं, विच इज कंसिडर द प्रोटोन का इसमें कहीं बात नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारा जो भी ये हो रहा है सब इलेक्ट्रॉन के चलते हो रहा है। Which is considered the elementary entity of an electric charge. Sixth, the magnitude of charge of an electron is equal to the magnitude of charge of proton. कितना अरे बात समझो, magnitude एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो ये क्वेश्चन भी था जो पहले क्लास में मैंने कहा था कि क्या होगा अगर किसी दुनिया में, छोड़ो हमारे पृथ्वी को, किसी और दुनिया में इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के बराबर ना होता होगा, क्या होगा अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन से ज्यादा हो मैग्नीट्यूड में। यहाँ मैग्नीट्यूड लिखना जरूरी है, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब मॉडुलस, ठीक है। अपोजिट्स हैं, माइनस प्लस है, लेकिन क्वांटिटी तो सेम है ना, इसलिए यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा गया है। लेकिन क्या होगा उस दुनिया में जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए, या प्रोटॉन का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए, तो दुनिया बहुत ही फनी होगी। ओके, बिकॉज मैंने बॉडी न्यूट्रल कभी नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि चार्ज इसकी इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा होगा तो ये बॉडी क्या हो, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ओके, तो हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी बिना रब किए, बिना किसी तरह का इंडक्शन से, कंडक्शन से, बिना किसी इलेक्ट्रिक करंट को दौड़ाए इंसुलेटर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है उस दुनिया में, बिकॉज अनबैलेंस हो गया ना। हम जानते हैं कि किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, लेकिन अगर चार्ज सेम ना हो एक इलेक्ट्रॉन पर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम ना हो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना एक प्रोटॉन पे होता है, तो क्या होगा, ये बॉडी एक अट्रैक्टिवनेस प्रॉपर्टी को अति करेगी और एक धारण करेगी अट्रैक्टिवनेस प्रॉपर्टी को। कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो जाएगा, कोई नेगेटिव हो जाएगा। ओके, मतलब वहां नंबर्स का नहीं रहेगा। यहाँ इसलिए कोई न्यूट्रल होता है क्योंकि नंबर ऑफ, क्यों कोई बॉडी न्यूट्रल होता है जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम मात्रा में होते हैं। क्यों कोई बॉडी न्यूट्रल होता है जब हम कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, क्यों, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन पर जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हर एक प्रोटॉन पर भी है। इसलिए अगर नंबर सेम रहेगा तो उस बॉडी पर वो बॉडी न्यूट्रल होगी, क्योंकि जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस भी होता है। तो ये बहुत ही छोटा लिखता है लेकिन ये अच्छा प्रॉपर्टी, सोचो खुशकिस्मत है एक तरह से हम लोग कि ये ऐसा नेचर में होता है, हमारे दुनिया में कम से कम होता है, इस हमारे सोलर हमारे पृथ्वी पर ऐसा होता है कि हमने देखा कि जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एक प्रोटॉन पे है उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे है, और कितना इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। हमने अभी देखा ना कि कूलम एक यूनिट ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। सेवन, द चार्ज ऑन ए बॉडी गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी बॉडी पर चार्ज यह दिखाता है कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इन द बॉडी, बट डज नॉट रेफर टू द टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज के बारे में नहीं बताती है, आदर पॉजिटिव नेगेटिव प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। ओके, चार्ज बॉडी पर जो हम उससे यही बस इतना पता चलता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा है, बस इसे यही पता चलता है, ना कि टोटल चार्ज के बारे में पता चलता है बस। When no charge is applied to or removed from a body, it is said to be electrically neutral. अगर किसी बॉडी में कोई चार्ज सप्लाई नहीं किया गया हो और या रिमूव नहीं किया गया तो उस बॉडी को हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन इट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन इट। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं न्यूट्रल कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो तो उसमें तो ऐसा होगा ही। नाइन्थ, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन बोथ द बॉडीज पुट टुगेदर विच आर रब्ड, बोथ बॉडीज का मतलब मैंने एक यहाँ पर पीछे अथी कर दिया है, रब्ड जिन्हें दो बॉडीज को मैंने अगर रब किया तो जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज पुट टुगेदर, अभी भी ठीक है ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन जब रब करने से पहले ये ग्लास रॉड हो गया, ये सिल्क क्लॉथ हो गया, ठीक है, लेकिन
लेकिन रब करने के पहले इसमें जितना टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ओके, रब करने के बाद भी भले इस पे पॉजिटिव चार्ज या इस पे नेगेटिव चार्ज, रब करने के बाद भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल नंबर प्रोटॉन भी अभी भी सेम ही होंगे दोनों को अगर मिला के देखेंगे तो। सो यही लिखा हुआ कि द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन बोथ द बॉडीज, जो हम मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ग्लास रॉड लिया और सिल्क क्लॉथ पुट टुगेदर विच आर रब्ड टुगेदर बिफोर एंड आफ्टर इलेक्ट्रिफिकेशन रिमेन्स द सेम, थस द चार्ज इज सेड टू बी कंजर्व्ड, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज। मतलब दो बॉडी न्यूट्रल थे उस समय, तुम दोनों में कितना टोटल चार्ज है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव उसको कैलकुलेट कर लो, दोनों को रब कर दो आप फिर बाद में भी देखो तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लस नेगेटिव चार्ज अभी भी उतने ही होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी लग रहा होगा कि क्या आप अभी पढ़ा रहे हो ये सब, मतलब ठीक है, बट जब तुम बनाओगे ये न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो तुम्हें इसका यूज पड़ेगा, ओके, बहुत यूज पड़ेगा। सो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कॉमा अकॉर्डिंग टू विच चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एंड कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये कुछ उसी तरह नहीं है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैंने कहा भी था कि मास और कुछ नहीं बल्कि एनर्जी का ही दूसरा फॉर्म है, ओके okay. उसी तरह से चार्ज पर भी ये चीज होता है कि चार्ज को केवल हम लोग नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म नहीं है, ये ट्रांसफर्ड है, ध्यान देना, ये ट्रांसफॉर्म नहीं है, चार्ज को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा हूं मैं, चार्ज को ट्रांसफर कर रहा हूं। देखो ट्रांसफॉर्म का स्पेलिंग ये होता है ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफर का स्पेलिंग देखो कैसे ट्रांसफर्ड। हम लोग एनर्जी के बारे में कहते थे कि एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म या फिर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लेकिन चार्ज के बारे में बस इतना है कि चार्ज कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना, और ट्रांसफर मतलब रूप बदलना, अलग अलग चीज है ना, ये दोनों अलग अलग चीज है। तो चार्ज को केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, उसे नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए तो तुम लिख सको इसको, जरूर याद भी कर सकते हो, ओके, ट्रांसफर्ड है, यहाँ ट्रांसफर मत लिख देना, ठीक है। 10 पॉइंट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पढ़ रहे हैं, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन चीजों से यही चार्ज जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है, तो इनके बारे में क्यों ना जाना जाए। इफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, जैसे कि बॉल है, बॉल एक स्फेर होता है ना, तो अगर इस तरह का कोई स्फेरिकल कंडक्टर किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करे, जो चार्ज को कंडक्ट करे, ओके, इसी का उल्टा क्या होता है कंडक्टर का, इंसुलेटर, जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है। हाँ, आगे देखेंगे। इफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज सप्लाइड सम अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर किसी स्फेरिकल, जैसे मान लो अगर इसमें चार्ज दिया गया, ये कोई कंडक्टर स्फेरिकल, देन द चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस यूनिफॉर्मली। मान लो नेगेटिव चार्ज दिया तो नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, ऐसा नहीं कि जहां पर दिया वहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन है नेगेटिव चार्ज का और इधर कम है, ऐसा कभी नहीं होगा कि इधर ज्यादा है जहां से दिया सप्लाई किया और इधर कम है, ऐसा नहीं होगा, यूनिफॉर्म चार्ज होगा, नो मैटर एट व्हाट पॉइंट द चार्ज इज सप्लाइड। मैंने कहा ना, नो मैटर एट व्हाट पॉइंट द चार्ज इज सप्लाइड, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट सर्फेस एरिया, पर यूनिट सर्फेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय सिग्मा, ये ग्रीक लेटर, ग्रीक अल्फाबेट है सिग्मा। आगे इसके बारे में प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो बहुत ही होगा, जैसे कि सिग्मा के बारे में, जैसे चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट सरफेस एरिया, मान लो किसी सरफेस, ठीक है, सरफेस को हमने क्या किया, किसी स्फेर को मैंने मान लो क्यू चार्ज दिया, ठीक है, क्यू चार्ज, तो सिग्मा क्या लिखोगे, क्यू अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट सर्फेस एरिया, तो 4πr² लिखोगे ना, ये लिखोगे ना मेरे ख्याल से, अगर ये जो स्फेरिकल है ये हॉलो स्फेरिकल है कंडक्टर है और इस पर क्यू चार्ज दिया तो सिग्मा क्या लिखोगे, क्यू अपॉन 4π, क्यों, क्योंकि 4π² क्यों, अगर इसका रेडियस r है, स्मॉल r, क्यों, क्योंकि यही ना इसका सर्फेस एरिया है, एक स्फेयर का सर्फेस एरिया 4πr² होता है आई गेस, ओके, तो इसी यही सिग्मा है इसके लिए, इसी का, और सिग्मा को किससे इसका क्या कहते हैं, कूलम पर मीटर स्क्वायर या कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से हम लोग करते हैं, क्यों, क्योंकि चार्ज अपॉन सरफेस एरिया है, तो एरिया या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। बट इफ द सर्फेस ऑफ ए कंडक्टर हैज मोर शार्पली कर्व्ड सर्फेस और हैज पॉइंटेड टिप्स, कॉमा,
एट दोज पोजिशन द सर्फेस चार्ज डेंसिटी इज हायर. जैसे कि कंडक्टर है, उसमें कुछ ऐसा टिप्स आ गया, मतलब कंडक्टर था और बीच में कुछ ऐसा आ गया, ओके तो इस टिप पर सर्फेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है. मान लो चार्ज स्फीयर है, इसमें यहाँ पर ज्यादा सर्फेस चार्ज डेंसिटी होता है टिप्स पर. मतलब कहने का मतलब जहाँ पर शार्पली कर्व्ड सर्फेसेस हैज मोर शार्पली कर्व एंड हैज पॉइंटेड टिप्स एट दोज पोजिशन. ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई कंडक्टर का पॉइंटेड टिप्स है तो वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है. इसका सिंपल रीजन ये है क्योंकि देखो यहां पर एरिया तो कम है ना, सरफेस एरिया कम है, और सिग्मा किस पर डिपेंड करता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है. तो जब एरिया कम हो गया तो सिग्मा ज्यादा हो जाएगा ना, यही मुझे मेरे ख्याल से यही रीजन है शायद. ओके, सिग्मा ज्यादा हो जाएगा अगर एरिया कम है. ऑफ कोर्स यहाँ पॉइंटेड टिप्स पर एरिया कम होते हैं और चार्ज तो रहेगा ही जो भी होना है, लेकिन एरिया कम होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है ना सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसी को कहते हैं ना. तो एरिया कम हो जाएगा पॉइंटेड टिप्स पे तो सिग्मा ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है पॉइंटेड टिप्स पे कंडक्टर के और शार्पली कर्व सर्फेसेस के. 11th, द चार्ज सप्लाई टू एन इंसुलेटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एंटायर सर्फेस एंड रिमेन्स स्टेशनरी एट द सप्लाइड पोजिशन ऑन द इंसुलेटर. मान लो कोई इंसुलेटर है, जैसे कि ये ग्लास का बना हुआ इंसुलेटर है, मैंने चार्ज दिया, मान लो नेगेटिव चार्ज दिया इसको, ठीक है, लेकिन जहां दिया ये वहीं रह जाता है, ये फैलते नहीं है. कंडक्टर में तो फैल जाते हैं यूनिफॉर्मली, अभी हमने देखा ना. यही कारण है कि इंसुलेटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को अथी नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उनसे फ्लो नहीं करता है. ओके, इंसुलेटर में क्यों नहीं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है? क्योंकि जहां से चार्ज है, मैंने इसको किसी से जोड़ा, मैंने इसे इलेक्ट्रिक लाइन से जोड़ा, आ रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, लेकिन ये लोग स्प्रेड नहीं हो पाते हैं. वे जहां तुमने इसको दिया, इसको ये मान लो इंसुलेटर है कोई, ठीक है, इंसुलेटर जहां तुमने इसको करंट दिया, यहीं पर चार्ज आके स्टेशनरी हो जाते हैं, ये फैलते नहीं है, ये स्प्रेड नहीं हो पाते हैं उस इंसुलेटर ऑब्जेक्ट पे. ओके, इसीलिए तो ये क्या करंट को फ्लो नहीं करते हैं, करंट फ्लो नहीं हो पाता इंसुलेटर से. 12th, द चार्ज सप्लाई टू ए कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस एंड इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. मान लो कि स्फेरिकल कंडक्टर है, होलोस्फेरिकल, मैंने चार्ज दिया, मान लो नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज दिया, तो माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा, हमें पता ही है, लेकिन ये बाहर स्प्रेड होगा, ना कि ऐसा नहीं होगा कि ये अंदर जाके माइनस चार्ज हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये होगा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई चार्ज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना पड़ता है, अगर अंदर चले जाएंगे चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगा, और ये तब तक रिसर्फेस करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट देते रहेंगे जब तक कि इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो ना हो जाए, इज इक्वल टू जीरो. ओके, और ऐसा क्यों होना चाहिए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो होना चाहिए, इसको हम लोग बाद में देखेंगे आगे के क्लासेस में. ओके, सो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहे, यही कारण है कि अगर तुम एडिशनल चार्ज दोगे किसी कंडक्टर को बाहर से तो वो बाहर आ जाके आउटर सरफेस, लिखा हुआ है ना आउटर सरफेस द चार्ज सप्लाई टू ए कंडक्टर ना कि इंसुलेटर इज ऑलवेज रिसाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस एंड इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. प्रोलिड के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, इसका बहुत यूज है. तो ये प्रॉपर्टीज थी, इनको ऑब्जर्व किया मनुष्यों ने और तब ये सारी चीजें लॉ बताया कि हाँ ये प्रॉपर्टी होती है चार्ज की कंडक्टर के केस में. आगे देखेंगे हम लोग, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा हम लोग बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, फिर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप देखेंगे, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्लाउड्स में कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज आते हैं और थंडरस्टॉर्म के समय क्या, मतलब उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, बायोक्रोमेटिक सेल, ये सब जो भी है, डेनियल सेल के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा कैसे थोड़ा काम करते हैं वे लोग, और क्या था, हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड.